सो हे गाइस, वेलकम बैक टू हेल्पिंग गेमर। सो कैसे हो आप लोग, होप कि आप लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस बढ़िया रहना। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्री फायर में आप लोग एक या दो दिन के अंदर हीरोइक कैसे जा सकते हो। हाँ मेरे भाई, एक या फिर दो दिन के अंदर हीरोइक कैसे जा सकते हो, और ये टिप्स ऐसा टिप्स है कि अगर आप लोग अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आप लोग ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हो। हाँ मेरे भाई, काफी बेहतरीन टिप्स है, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है ये टिप्स को जानने के लिए। तो मेरे भाई, ये टिप्स को अगर जानना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस मत। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री फायर के लिए जितने भी लेटेस्ट अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आती रहती है। ओके गाइस, इस वीडियो में आपको टॉप 5 टिप्स बताया जाएगा, जो कि आप लोग अच्छी तरीके से समझना है कि मैं आप लोग क्या बताना चाहता हूं। कुछ ऐसे टिप्स हो गए जो कि आप लोग पहले से जानते हो, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, कुछ नया जरूर आपको सीखने के लिए मिलेगा। ओके गाइस, सो गाइस, सबसे पहले अगर आप लोग हीरोइक जाना चाहते हो तो आप लोगों को चयन करना होगा कि आपको सोलो में जाना है या फिर डुओ में जाना है या फिर स्क्वाड खेलकर जाना है। हाँ मेरे भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है आप लोगों के लिए हीरोइक जाने के लिए, कि अगर आप लोग सोलो में खेलते हो या फिर डुओ में खेलते हो या फिर स्क्वाड में खेलते हो। ओके तो मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग सच में हीरोइक जाना चाहते हो तो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो है वो डुओ है। क्यों डुओ है मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोलो नहीं खेलना चाहिए और स्क्वाड नहीं खेलना चाहिए। ये भी काफी रीजन होती है, अगर आप लोग ये सारे खेलते हो तो आपका भी रैंक काफी माइनस होता है। क्यों होता है, सोलो में क्यों होता है, सोलो में क्या होता है कि आप लोग जैसे मान के चलो लैंड किए, लैंड करने के बाद आप लोग वन पहला गेम बोया कर लिए, काफी अच्छा मैं प्लस हुआ, दूसरा गेम खेले, दूसरा गेम प्लस हो गया, लेकिन थर्ड गेम क्या होगा कि आपको 100% नहीं है कि आप टॉप 10 में पहुंचोगे। सोलो में टॉप 10 पहुंचना काफी इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। और अगर आप लोग मान के चलो लैंड किए, उसी टाइम एनिमी भी लैंड कर गया आपके पास और उसके पास गन मिल गया, तो उसके पास गन मिल जाएगा तो आपको इजी वे में मार देगा, और इजी वे में मार देगा तो आपका रैंक काफी माइनस हो जाएगा, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे और दूसरा गेम रश करके खेलने लगोगे। ये काफी दिक्कत होती है आप लोगों में और मेरे में भी होती थी, लेकिन मैं इसमें काफी सुधार लाया हूं, वही टिप्स आपको मैं शेयर करूंगा। ओके तो यहां पर तो पता चल गया सोलो क्यों नहीं खेलना चाहिए, और स्क्वाड में तो भाई साहब क्या था ही नुबड़ापन हो जाता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, स्क्वाड में चारों मेंबर अलग अलग दिमाग के होते हैं। पहला मेंबर क्या होता है कि भाई एक बंदा कोई होता है रस करके खेलता है, कोई बंदा होता है भाई एकदम छिपा हुआ रहता है। छिपा हुआ रहने से क्या होता है कि चारों अलग अलग दिमाग का रहता है, तो चारों अलग अलग सिचुएशन में आ जाता है, अलग अलग मतलब सिचुएशन लोकेशन में भी हो जाता है, जिससे अकेला पड़ जाता है स्क्वाड को मारने में, और वो बंदा इजी वे में मर जाता है, स्क्वाड पूरा इजी वे में मर जाता है। ओके, अगर आपके पास एक अच्छा स्क्वाड है, अगर आप भाई कोई बंदा अच्छा खेले ना खेले इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका स्क्वाड में कोई नुबड़ा है या फिर कुछ और भी बंदा है तो ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप किस तरीके से रैंक पुश करते हो, किस तरीके से कैंपिंग करते हो, उस पर आपको डिपेंड करता है। ओके, तो आप लोग अगर आपको स्क्वाड बनाना चाहते हो तो आपका स्क्वाड आपका बात माने, उसमें से एक बंदा आपका टीम में कैप्टन होना चाहिए जो सारे अपने टीम को कवर करे। ओके, जो भी बोले वो माने। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आप चार, अगर आपके पास स्क्वाड में चार मेंबर ऐसा है जो आपकी बात मान करके खेले तो आपका स्क्वाड वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका स्क्वाड वन ऑफ द बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कुछ बंदे होते हैं अलग दिमाग के होते हैं, कुछ बंदे रस करके होते हैं, कुछ बंदे भाई डायरेक्ट कैंपिंग करके रहते हैं, जिसके कारण सभी बंदे के पास अटैक कर लेते हैं दूसरे स्क्वाड, और इजी वे में आपका स्क्वाड मर जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दिया हूँ सोलो नहीं खेलना चाहिए और स्क्वाड किस वजह से नहीं खेलना चाहिए। अगर आपके पास चार मेंबर जो आपकी बात मान के खेले तो आप लोग स्क्वाड बना सकते हो। ओके, सेकेंड जो डुओ है, डुओ में क्या होता है कि दोनों बंदे आपस में बात कर लो भाई, दोनों बंदे को मेन इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हीरोइक जाना है, तो दोनों आप लोग अच्छी तरीके से बात करके खेलते हो, अच्छी तरीके से कैंपिंग करते हो, और आप लोग अच्छी तरीके से डुओ में हमेशा टॉप 10 में पहुंच जाते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट रखता है, अगर आप लोग एक बंदा मर भी जाता है तो पहला बंदा डुओ को संभाल सकता है, लेकिन स्क्वाड में एक बंदा स्क्वाड को नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं बता रहा हूं डुओ वन ऑफ द बेस्ट होती है। तो यहां पर मैं आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि सोलो खेलना चाहिए या फिर डुओ खेलना चाहिए या फिर स्क्वाड खेलना चाहिए रैंक पुश करने के लिए। तो आपको वन ऑफ द बेस्ट है डुओ, अगर आपके पास चार मेंबर ऐसा है जो आपके बात मान करके खेलता है तो आप लोग बना सकते हो। ओके ओके गाइस, यहाँ पर सेकेंड टिप्स के बारे में बात करें जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखती है, और कुछ बंदे यहाँ पर ये टिप्स को फॉलो करने में काफी बड़ी मिस्टेक करते हैं। हाँ मेरे भाई, क्या मिस्टेक करते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो मेरे भाई, जब भी आप लोग रैंक पुश कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लॉर्ड आउट करके, और लॉर्ड आउट में क्या करते हो, बहुत बंदे बहुत सारे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं मेरे भाई, ऊपर आप लोग देखते हो चार ऑप्शन मिलता है, और चार ऑप्शन में सारे बंदे क्या यूज करते हैं, बाउंटी टोकन। मेरे भाई, बाउंटी टोकन हमेशा आपको यूज नहीं किया जाता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन होती है। अगर आप लोग रश करके खेल रहे हो
तो आप लोगों के लिए बाउंड्री टोकन वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो तो आप लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, सुमन एयर ड्रॉप। ओके, ये जो एयर ड्रॉप का ऑप्शन है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि लास्ट जोन में आप लोगों के बहुत चीज कमी हो जाती है, जिसके कारण एमओ या फिर कुछ भी कमी हो जाती है, तो लास्ट जोन में आप लोग ये एयर ड्रॉप को गिरा सकते हो। ओके, एयर ड्रॉप को गिराने के बाद क्या होगा, आप लोगों को एक छोटा सा कवर मिल जाता है इससे, और काफी आप लोगों को एडवांटेज मिलता है, गन वगैरह सारे चीज इसमें मिल जाता है, अच्छे से अच्छी चीज आप लोगों को एयर ड्रॉप से मिल जाएगी मेरे भाई। तो आप लोग जब भी इस्तेमाल करो तो आप लोग एयर ड्रॉप इस्तेमाल करो। क्यों इस्तेमाल करो मैं आपको बता दियो कि आप लोग जब भी रैंक पुश कर रहे हो तो आप लोगों को शुरुआती में बाउंटी टोकन नहीं चाहिए, आपको लास्ट चाहिए, लास्ट में एकदम। तो मेरे भाई लास्ट में जो कि मेन इंपॉर्टेंट होती है वो सुमन एयर ड्रॉप होती है। तो सारे बंदे सुमन एयर ड्रॉप जरूर ले जाओ, एयर ड्रॉप काफी इंपॉर्टेंट लगता है आप लोगों के लिए। और कभी कभी आप लोग बॉन फायर भी ले जा सकते हो, बॉन फायर भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पर बाउंटी अगर रैंक पुश करे तो बाउंटी कभी भी मत ले जाना। ओके, सो मेरे भाई यहाँ पर सबसे मैं आपको सेकंड टिप्स में क्या बताया कि आप लोग एयर ड्रॉप ले जा सकते हो। ओके ओके गाइस, आप बात कर लेते हैं थर्ड टिप्स के बारे में। थर्ड टिप्स एक ऐसी टिप्स है जो हर एक बंदे को फॉलो करना चाहिए। हाँ मेरे भाई, ये एक ऐसा टिप्स है कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट लगता है ये टिप्स। अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो, हीरोइक जा रहे हो या फिर ग्रैंड मास्टर जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए टिप्स काफी मायने रखता है मेरे भाई। तो ये टिप्स क्या है कि आप लोग परफेक्ट लैंडिंग किस तरीके से कर सकते हो। परफेक्ट लैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट लगता है आप लोगों के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट लैंडिंग किस तरीके से कर सकते हो। तो आपको जैसे कि दिख रहा है बीच में आप लोगों को एरोप्लेन का लाइन दिख रहा होगा, उसके साथ साथ आप लोग ग्रीन कलर का एक बॉक्स दिख रहा होगा। ओके, जब भी आप लोग लैंड करो तो ये चीज के बात का ध्यान देना कि जब भी आप लोग एरोप्लेन का लाइन दिख रहा है उसके साथ आपने आसपास इतना बॉक्स जो देख रहे हो, इतना एरिया देख रहे हो, इस एरिया में कभी भी आप लोगों को लैंड नहीं करना है मेरे भाई। लैंड इसलिए नहीं करना क्योंकि इस एरिया में काफी बंदे आते हैं, और सर्कल आप लोगों के बीच जब भी आएगा तो आप लोगों को पीछे से बंदे और आगे से दोनों तरफ से बंदे मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं यहां पर आप लोग कभी भी लैंड मत करना। आप लोगों को रेड कलर का सर्कल दिख रहा है, हां, सो यही सर्कल में आप लोग जाने की कोशिश करना, ये एरिया में जाने की कोशिश करना, बिकॉज यहां पर काफी कम बंदे आते हैं, काफी कम बंदे आएंगे, जिसके कारण आप लोग गेम को लास्ट तक ले जा पाओगे, लास्ट तक टॉप 10 में ले जा पाओगे, जिसके कारण आपका रैंक 100% पुश होगा। और यहाँ पर आप लोगों को एक बात और ध्यान देना है कि कभी भी आप लोगों को, जैसे मान के चलो एग्जांपल डेट, आप लोग जा रहे हो एरोप्लेन से और ये एरिया में जाने के लिए, ऐसा कि नहीं आप लोग बीच में उतर जाओ, ऐसा जगह उतरो जहां पर आप लोगों को व्हीकल्स या फिर जीप लैन या फिर आप लोग लॉन्चपैड वगैरह मिले, और उसके जरिए आप लोग लास्ट वाले एरिया में जा सकते हो। तो काफी अच्छी रहती है मेरे भाई, आप लोग ये टिप्स को फॉलो करो, 100% आपका रैंक पुश होगा मेरे भाई। ये टिप्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई, और इस वीडियो को लाइक प्लीज कर दो। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, काफी मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। ओके ओके गाइस, इसी के साथ मैं आप लोगों को एक एडवांस टिप्स बता देना चाहता हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को काफी मोटिवेट भी करेगा। ओके, तो आप लोगों की ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप लोग कभी भी किल पर मत जाओ। ओके गाइस, जब भी आप लोग रैंक पुश कर रहे हो तो कभी भी किल पर मत जाओ, बोया पर जाओ, बोया पर जाओगे ऑटोमेटिक आप लोगों का किल अपने आप आएगा। हां मेरे भाई, अगर आप लोग बोया पर जाओगे ऑटोमेटिकली आप लोगों को किल आपने लास्ट जोन तक बोया करते करते आप लोगों के पास किल आ ही जाएगा। लेकिन अगर किल पर जाओगे तो आप लोग बोया नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आपका रैंक भी पुश नहीं हो पाएगा, रैंक माइनस हो जाएगा। तो ये बात हमेशा आप लोगों को याद रखना कि आप लोगों को किस पे जाना है, बोया पर जाना है, किल पर नहीं जाना है। किल पर जाओगे तो बोया नहीं कर पाओगे, बोया नहीं कर पाओगे तो आपका रैंक ज्यादा प्लस नहीं होगा। अगर आप लोग बोया पर जाओगे तो 100% आपका रैंक पुश होगा और किल भी हो जाएगा लास्ट तक जाते जाते। ओके, और ये एडवांस टिप्स थी आप लोगों के लिए। ओके गाइस, चौथे टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा टिप्स भी एक ऐसी टिप्स है जो हर एक बंदे को यूज करना चाहिए, चाहे वो रैंक पुश कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, लेकिन ये टिप्स को फॉलो करना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो ये टिप्स क्या है कि कभी भी आप लोग सर्कल के बीच कभी भी मत जाओ। क्यों नहीं जाओ मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर आप लोग सर्कल के बीच जाओगे तो आप लोग 100% सैंडविच बन ही जाओगे। सैंडविच क्यों बनोगे मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर क्या होता है, सारे बंदे, कुछ कुछ ऐसे बंदे होते हैं स्क्वाड में कि भाई चलो सर्कल, चलो सर्कल, चलो ऐसे बोलते हैं और सर्कल के बीच चले जाते हैं। सर्कल के बीच जाने के बाद क्या होता है कि आप लोगों को चारों तरफ से बंदे पड़ते हैं, चारों तरफ से बंदे आपको मारते हैं, तो क्या होता है आप लोगों कोई कवर भी नहीं ले पाते हो, और चारों तरफ से जब पड़ती है तो आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हो, आप लोगों का मतलब काफी हौसला कम हो जाता है और आप लोग इन गेम आपका वहीं पर हो जाता है मेरे भाई। क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका कवर नहीं रहता और चारों तरफ से आपको चार स्क्वाड मारने लगती है आप लोगों को चारों तरफ से, तो आप लोग क्या कर पाओगे। अगर आप लोग अच्छे भी खेल पाते हो तो आप लोग चारों तरफ से पड़ेगी तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप हमेशा आपको याद रखना कि सर्कल के आपको किनारे किनारे रहना, कभी भी सर्कल के बीच नहीं जाना है, सर्कल के कॉर्नर में रहना,
है। अगर आपका सर्कल बहुत बड़ा है तो आप लोग व्हीकल्स को यूज करो, जैसे सर्कल छोटा हो गया है तो वहां पर व्हीकल को यूज करना बंद कर दो। ओके, तो ये टिप्स थी, काफी इंपॉर्टेंट टिप्स थी, आप लोग जरूर फॉलो करना। ओके ओके गाइस, इस वीडियो का सबसे लास्ट टिप जो कि आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा, ओके, ये टिप्स क्या है कि आप लोग हमेशा जब भी रैंक पुश कर रहे हो तब भी आप लोग ये टिप्स को अपनाना। ये टिप्स है कि आप लोग कैंपिंग करना। हाँ मेरे भाई, कैंपिंग करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है जो बंदा रैंक पुश करता है। ओके, तो कैंपिंग आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, बेसिकली अच्छे तरीके से किस तरीके से कर सकते हो कैंपिंग, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि भाई कैंपिंग करते, बहुत सारे बंदे इस तरीके से कि सर्कल के बीच चले जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले टिप्स में बताया कि सर्कल के बीच कभी भी आपको नहीं जाना है, हमेशा सर्कल के कॉर्नर पीस में रहना है और एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पर आप लोग सेफ रह पाओ। हाँ मेरे भाई, सेफ रह पाओ, जैसे कि टावर पे अपने स्क्वाड लेकर बैठ जाओ, किसी को हल्ला छिल्ला मत करो, शांति से बैठे रहो। हाँ मेरे भाई, कैंपिंग इसी का नाम है मेरे भाई, शांति से बैठे रहो और किसी भी घर में सर्कल के किनारे, हमेशा याद रखना सर्कल के किनारे आपको कैंपिंग करना है, सर्कल के बीचों बीच कभी भी कैंपिंग नहीं करना है। ओके, तो ये थी सबसे लास्ट टिप्स। और गाइज, मैं आप लोगों को एक टिप्स जरूर देना चाहूंगा, एडवांस टिप्स है। ओके, ये टिप्स हमेशा आप लोग फॉलो करना। ओके, जब भी रैंक आप लोग पुश करोगे तो क्या होगा कि आपका फिंगर बहुत स्लो हो जाएगा, जिसके कारण आपका गेम प्ले काफी नुबड़ा जैसा हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, ये एक चीज है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग रैंक पुश करते हो तो आपका गेम प्ले काफी नुबड़ा जैसा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास उपाय है। आपका अगर रैंक भी पुश करोगे तो आपका गेम प्ले नुबड़ा जैसा नहीं होगा। आपको हमेशा क्या करना है कि हमेशा टीडीएम या फिर क्लैश स्क्वाड या फिर ट्रेनिंग रूम खेलते रहना है दो तीन मैच के बाद। ओके, इससे क्या होगा कि आपका फिंगर हमेशा फास्ट चलते रहेगा और आप लोग रैंक भी पुश कर पाओगे, एक अच्छी तरीके से लेवल टाइप गेम प्ले भी कर पाओगे। सो गाइस, यही सारे टिप्स थी, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे भाई बहुत मेहनत किया हूं इस वीडियो के पीछे, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करोगे तो भाई मोटिवेट होगा। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।